नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के वीडियो में मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा अपना नया प्लेटफॉर्म एल्गो ब्रिज। और एल्गो ब्रिज पे मैं आपको दिखाऊंगा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं एल्गो क्रैब का प्लेटफॉर्म जो है, उसमें आपको जो स्ट्रेटजीज मिलती है उसमें फिक्स रहता है कि सुपर ट्रेंड कितना रहेगा, कितने पीरियड के टाइम फ्रेम पे काम करेगा, स्टॉप लॉस टारगेट भी फिक्स रहते हैं। लेकिन एल्गो ब्रिज में हमने ये सब चीजों को अलग किया है एल्गो क्रैब से, और यहाँ पर हमने आपको फीचर दिया है इस चीज का कि आप अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस या टारगेट सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इंडिकेटर के पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप टाइम फ्रेम भी सेट कर सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। और ये सारा काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि आप अगर अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसके लिए आपको कोई दो किसी ना किसी तरीके का चार्टिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू या MT4। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने उस स्ट्रेटजी को इनबिल्ट बना दिया है ताकि आप आराम से अपने हिसाब से टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं उसमें, और अपने हिसाब से सारे के सारे पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको ज्यादातर चीजें समझ में आ पाए। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियो को, बताइए लोगों को, शेयर भी कीजिए कि किस तरीके की सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट पर लेके जाता हूँ जो कि है एल्गो ब्रिज। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको एल्गो ब्रिज की वेबसाइट दिखती है जब आप लॉग इन करते हो, तो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, यहाँ पर तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा मैं उस पर भी आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले जाना होगा यहाँ पर algobridge.in पे। जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे आपको लिखना है यहाँ पर algobridge.in। algobridge लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट आएगी www.algobridge.in, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी साइन इन है इसलिए इस तरीके से खुल रहा है, नहीं तो इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अब इस स्क्रीन पे आपको क्या करना है दोस्तों, अपना अकाउंट लॉगिन करना है। जैसे मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ अपना अकाउंट और लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं तो इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देती है। इस स्क्रीन में आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में मार्केट वॉच है और राइट साइड में चार्ट है। तो अगर आप चाहें तो मार्केट वॉच से मैनुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका अकाउंट यहाँ पर लिंक होना जरूरी है। तो अकाउंट लिंक करने के लिए आपको जाना होगा ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में। यहाँ पर जब आप ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में जाते हो तो आपको दिखता है इस तरीके का स्क्रीन जिसमें आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना होता है। अब मैं यहाँ पर अपना ब्रोकर, जैसे मेरे पास एलाइस ब्लू का ब्रोकर है, मैं इसको जनरेट करता हूँ। तो मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा और TOTP वगैरह की डिटेल्स मांगेगा। अभी इसने मुझसे मांगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन है। मैंने यहाँ पर लॉग इन किया हुआ अपना अकाउंट, जिसमें कि अलग अलग तरीके की चीजें मैंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं, और यहाँ पर मैंने अभी फंड्स भी इसमें ऐड किया ताकि मैं आपको ट्रेड करके प्रॉपरली दिखा पाऊँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि इसको टोकन मिल गया। ये टोकन हमारा डेली एवरीडे मिलता है, हमको एवरीडे करना होता है। सुबह 7 से 9 के बीच आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने से आपको टोकन प्रॉपरली मिल जाता है, और फिर उसके बाद आपका जो ट्रेड है वो प्रॉपरली जाता है उस दिन के लिए, आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती है। पहला काम मैंने आपको बताया कि टोकन लेने के बाद, जैसे मान लीजिए टोकन लेने के बाद यहाँ पे मैं मार्केट वॉच पे आ गया। अब आप यहाँ पर मार्केट वॉच देख पाएंगे ना, मार्केट वॉच में अलग अलग सिंबल्स हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मैनुअल कोई ट्रेडिंग करना है तो मैनुअल ट्रेडिंग भी मैं यहाँ पर इससे कर सकता हूँ। जैसे IOC इक्विटी आया, बाय का बटन दबाया मैंने। अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए 1 10 क्वांटिटी दिया। ठीक है, 10 क्वांटिटी मेरे को MI से यानी इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है, या CNC यानी पोजिशनल में ट्रेडिंग करना है, तो जो भी मुझे करना है मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे प्लेस ऑर्डर का बटन प्रेस करना होगा। जैसे मैं प्लेस ऑर्डर का बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा कि ऑर्डर प्लेसमेंट का मैसेज यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड में जाके, ट्रेड हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। ट्रेड हिस्ट्री में हमें दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एलाइस ब्लू का एक ऑर्डर चला गया है। ठीक है, तो ये है फंक्शन कि किस तरीके से आप मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा मेन टॉपिक था कि सुपर ट्रेंड किस तरीके से लगाना है।
तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आवर स्ट्रेटजीज आ रहा है। आवर स्ट्रेटजीज में अभी आपको ये स्ट्रेटजीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें कि मैं सुपर ट्रेंड के बारे में अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रेटजी में जाना है हमको। कस्टमाइज स्ट्रेटजी में जाने के बाद आपको एक सिंबल क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम एक सिंबल क्रिएट करते हैं, हम एक ऐसा सिंबल क्रिएट करते हैं जिसमें कि ट्रेड भी हो जाए और मैं आपको दिखा भी पाऊँ कि किस तरीके से ट्रेड बनते हैं। तो और मैं थोड़ा फास्ट पैरामीटर यूज करूंगा दोस्तों, आपको उस तरीके के पैरामीटर्स यूज नहीं करने हैं, क्योंकि वो उसमें प्रॉफिट नहीं होएगा, बस वो बार बार जल्दी जल्दी ट्रेड जनरेट करेगा और ज्यादा ज्यादा ट्रेड होंगी तो उसमें प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं। बट क्योंकि एक वीडियो का एक दायरा होता है, 12 मिनट 15 मिनट तक मैक्सिमम वीडियो बना सकते हैं, उसमें बाकी की चीजें भी बतानी होती है तो ट्रेड करने का कम टाइम मिलता है। तो जब तक ट्रेड आएगा तब तक मैं आपको बाकी की और चीजें भी बता दूंगा हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या क्या है। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सिंबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सुपर ट्रेंड मैंने सिलेक्ट किया, मान लीजिए मुझे एक सिंबल में ट्रेड करना है, मान लीजिए मुझे स्टेट बैंक में सिलेक्ट करना है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। टाइम फ्रेम हम 1 मिनट रखेंगे। ट्रेड टाइप हमको कैंडल क्लोज करना है या रियल टाइम करना है, इसमें कैंडल क्लोज ही होगा, रियल टाइम नहीं होगा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को हम 2 कर देते हैं, 2 शेयर में हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं हम, कितने रुपए का लगाएं, यहाँ पर 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और टारगेट भी हम यहाँ पर 1 रुपए का लगा रहे हैं। 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 1 रुपए का टारगेट। यहाँ पर री एंट्री, री एंट्री का फंक्शन ये होता है दोस्तों कि मान लो आपका एक सिग्नल आया बाय का और वो कट गया किसी स्टॉप लॉस या टारगेट की वजह से, और फिर उसके बाद अगर दोबारा से बाय की का ही ट्रेंड बनता है तो री एंट्री होती है। तो उस तरीके की अगर ट्रेड आपको करनी है तो री एंट्री को आपको ट्रू करना होगा। अगर एक बार बाय के बाद बाय दोबारा आए और वो ट्रेड करना है तो री एंट्री करना होगा, अदरवाइज आप इसको बंद करेंगे तो फिर ये बाय टू सेल, सेल टू बाय ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आगे स्क्वायर ऑफ टाइम दिया हुआ है, जो भी आप टाइम डालोगे उस टाइम पर आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, जो भी पड़ा होगा। यहाँ पर हमने 3 बजे का टाइम डाला है। जनरली अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये बहुत खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको टाइम बदलना है, क्योंकि एनएससी में इक्विटी में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको टाइम ना भी बदले तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बजे उनका सौदा अपने आप कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स हैं, उसको मैंने बहुत फास्ट कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ और 0.2 कर देता हूँ। तो ऐसा करके मैंने जैसे इसको ऐड किया तो यहाँ पर एक कार्ड आपको देखने को मिलेगा, ये कार्ड मिल रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है कि एनएससी का जो अभी प्राइस है 3 रुपए के आसपास अभी डाउन चल रहा है, एसबीआईएन और 580 रुपए का भी प्राइस चल रहा है। इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद जब भी इसमें कोई सिग्नल बनेगा, अप या डाउन का ट्रेंड आएगा, तो वो ट्रेंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको इसी कार्ड में देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ जब ट्रेड आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेड आपके अकाउंट में चला जाएगा। अब ये तो था कि सुपर ट्रेंड को किस तरीके से करना है। यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे जब तक सिग्नल आता है तब तक मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। देखिए हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है इसको हम कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्रेड्स कॉपी भी कर सकते हैं। यानी कि आप अगर मान लीजिए आपके पास आपके 5 अकाउंट हैं और आप चाहते हैं कि एक ही ट्रेड जो आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से डालें और वो आपके 5 के 5 अकाउंट में चली जाए, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप चाहे अकाउंट 5 हो या 50 हो, कितने भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रेड प्रॉपरली जाएगा। करना क्या होता है उसके लिए, आपको डेली टोकन लेना होता है, जितने भी अकाउंट है सेपरेट सेपरेट हर अकाउंट का टोकन लेना होता है, ठीक है। जब आप सब अकाउंट्स में टोकन ले लेंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाते हैं। लिंक कैसे होते हैं यहाँ पर हमारे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट यूजर में जाना होता है। क्रिएट यूजर में जाके आप कोई भी यूजर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको आईडी पासवर्ड डालना है वो आप डाल सकते हो और यूजर को पकड़ा सकते हो। जैसे ही यूजर को आप देंगे वो अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वो अपना ब्रोकर ऐड करेंगे और टीओटीपी वगैरह से जाके सब कुछ करके टोकन ले लेंगे। जब वो टोकन ले लेंगे उसके बाद वहां पर उनको भी ऑप्शन मिलता है कि उनको कौन से अकाउंट ट्रेड करने हैं, कौन से नहीं करने। अगर इसके बारे में प्रॉपर वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है एक, और मैं बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि नए फीचर्स के साथ जो भी वीडियो बनानी है वो बना के दो, तो मैं वो भी आपको बना के जल्दी से जल्दी दूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर आप कितने भी अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं और वो सारे के सारे अकाउंटों में सेम ट्रेड चला जाएगा। क्वांटिटी आप बदल सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटी अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब कि अगर मास्टर और यूजर के अलग अलग अकाउंट में ट्रेडिंग करना, मतलब अलग अलग क्वांटिटी में ट्रेडिंग करना है, तो वो पॉसिबिलिटीज भी हमारे प्लेटफॉर्म पर है। जब तक इसमें सिग्नल आता है उससे पहले एक काम करते हैं हम कि एक और सिंबल में क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा लेट सिग्नल आएगा तो काफी टाइम चला जाएगा वीडियो में। तो एक और नया सिंबल क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं जिसमें जल्दी सिग्नल आ जाएगा, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए लगाने से पहले यहाँ पर बाय का सिग्नल दिखा रहा है आपको, सिग्नल चेंज हो गया, बाय आ गया। अब हमको यहाँ पर जाके देखना है कि हमारा ट्रेड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। स्ट्रेटजी ट्रेड बुक में जाएंगे हम।
आप यहां देख सकते हो कि सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी लिखा हुआ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाय का सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये एंट्री है, ठीक है, सक्सेस हो गया। अब हम चाहें तो अपने ब्रोकर पैनल के ब्रोकर के ऑर्डर बुक में भी देख सकते हैं, आप देख लीजिए ब्रोकर के ऑर्डर बुक में ये ट्रेड दिखा रहा है, साथ साथ ब्रोकर के ट्रेडिंग बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड बुक में भी देखेंगे आपको ट्रेड बुक में भी दिखा रहा है। उसके अलावा आप पोजिशंस में भी देख सकते हैं, यहाँ पर पोजिशंस में भी आपको पोजिशन दिखा रहा है, ठीक है। जो हमने IOC का लिया था उसमें हमारे को 50 पैसे का लॉस चल रहा है, और जो SBI का हमने लिया था उसमें हमें 90 पैसे का प्रॉफिट चल रहा है दो ट्रेड में। आप चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म से ट्रेड को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको ब्रोकर पैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर ऑफ भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्वायर ऑफ किए ऑर्डर्स और स्क्वायर ऑफ भी हो गए, यहाँ पर आपको बाय के बाद सेल के ऑर्डर्स भी दिख रहे हैं दोनों। तो अभी मेरी कोई पोजिशन यहाँ पर है नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रेटजी में जाके अपना स्ट्रेटजी बना सकते हो, कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो जो हमने दी हुई है। और यहाँ पर मैं पेमेंट डिडक्शन का बताता हूँ, इसमें बड़े हमने इसमें इंटरेस्टिंग चीज की है, और वो ये है कि जिस दिन आपका ट्रेड नहीं होगा उस दिन आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका ट्रेड जाने के बाद आपका डेली बेसिस पे फंड डिडक्ट होता है, डेली बेसिस पे आपके पैसे कटते हैं। इस जो स्ट्रेटजी अभी मैं लगाई इसका 79 रुपीज चार्ज है एवरी डे का। आप क्या कर सकते हो, आप वॉलेट में जाके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वॉलेट का, वॉलेट में जाके आप एड मनी कर सकते हो। जैसे आप एड मनी करोगे तो आपके अकाउंट में पैसे जुड़ जाएंगे और उसमें से धीरे धीरे डे बाय डे वो कटते रहेंगे। जिस दिन आप ट्रेड करोगे उस दिन पैसे कटेंगे, जिस दिन आप ट्रेड नहीं करोगे उस दिन आपके पैसे नहीं कटेंगे। इवन सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज होता है आपके पैसे नहीं कटेंगे। आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा और किस बारे में आपको वीडियो चाहिए। और यहाँ पर आप आइएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर algobridge.in पर और अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।